नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कॉस्मोस बैंक पर जो साइबर अटैक हुआ था उसके बारे में केस स्टडी करेंगे। इस साइबर अटैक में लोगों का फाइनेंशियल डेटा और पैसा दोनों चुरा लिया गया था। कॉस्मोस बैंक एक पुणे बेस्ड बैंक है जिसको 11 अगस्त 2018 को एक साइबर अटैक का शिकार बनाया गया था। इस साइबर अटैक में साइबर क्रिमिनल्स ने कॉस्मोस बैंक के सर्वर पर अनऑथोराइज एक्सेस लिया और 94 करोड़ रुपीस की लूट की। इसके साथ ही उन्होंने एटीएम और वीजा कार्ड से भी पैसे निकाल लिए। अटैकर ने यूज किया मालवेयर को और हैक करा एटीएम स्विस सर्वर, जिसके थ्रू अटैकर को एक्सेस मिल गया कस्टमर की इंफॉर्मेशन को देखने का, जो भी कस्टमर के अकाउंट इंफॉर्मेशन से, और इनिशिएट कर सकता है वो फ्रॉड ट्रांजेक्शन ऑन अ मैसिव स्केल। ये अटैक कैरीड हुआ टू फेसेस में। फर्स्ट फेज में अटैकर ने कॉम्प्रोमाइज किया बैंक सिस्टम को एंड स्टील किया कस्टमर इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग डेबिट कार्ड डिटेल्स। इन सेकेंड फेज दे यूज दिस इंफॉर्मेशन टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम्स इन 28 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। ये अटैक वन ऑफ द लार्जेस्ट साइबर अटैक ऑन द इंडियन बैंक। कॉस्मोस बैंक के ऑफिशियल्स ने इस साइबर अटैक को इमीडिएटली रिपोर्ट किया और बाद में FBI और इंटरपोल जैसी एजेंसी से भी सहायता ली। इस साइबर अटैक के दौरान बैंक के 2.5 मिलियन कस्टमर का डेटा चुरा लिया गया था। इस साइबर अटैक के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया और बैंक को हैवी पेनल्टी भी दिया। बैंक ने अपनी सिक्योरिटी मेजर्स और सिस्टम को इम्प्रूव करने का भी वादा किया और कॉस्मोस बैंक ने अपने सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्रूव किया और सिस्टम में अपग्रेडेशन किए। दोस्तों, इस साइबर अटैक से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और OTPs का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने बैंक अकाउंट को रेगुलरली चेक करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज लीव देम इन कमेंट सेक्शन बिलो। Don't forget to like, comment and subscribe for more tech tips and tutorials. Stay safe online. I will see you next time. Goodbye.